कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ आई। आधी रात से ही हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए जुटी रही। हिंदू सभ्यता में कार्तिक पूर्णिमा का काफी महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन बलि राजा से भगवान विष्णु को मुक्ति मिली थी और वो स्वर्ग में पधारे थे। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं ने दीपावली जैसा माहौल बनाया था, इसीलिए लोगों में इस दिन का खासा उत्साह रहता है। हरिद्वार में भारी संख्या में उमड़े जनसैलाब को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। कार्तिक पूर्णिमा यानी कि साल के 12 महीनों में सबसे पवित्र महीने का सबसे पवित्र दिन, इस दिन को सबसे पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य फल मिलता है। इसीलिए गंगा स्नान के लिए आधी रात से ही श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर पहुंचना शुरू कर दिया था। सभी महीना में गंगा स्नान के लिए कार्तिक मास की गंगा पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे पूरे देश में क्या विदेश तक इनकी मान्यता है। विदेशों में भी गंगा माँ यहाँ पूजी जाती है और हम लोग पूरे परिवार के साथ हर साल कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग गंगा स्नान करने आते हैं। पूरी साल हम लोग सुख शांति और चैन से रहते हैं। हमें बहुत पुण्य महसूस होता है और आत्मा की शांति महसूस होता है। हर की पूर्णिमा गंगा स्नान है, आज सारे दूर दूर से लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मान्यता है कि साल भर के 12 महीनों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूर्णिमा तक के 5 दिनों को काफी खास माना जाता है। एसएसपी हरिद्वार का भी मानना है कि पिछले वर्ष 10 लाख लोग कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे थे और इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पिछले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व पर लगभग 10 लाख यात्री आए थे हरिद्वार। इस वर्ष भी उसी क्रम में हम मान के चल रहे हैं कि 10 लाख से अधिक ही आ सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्षेत्र को हमने 8 जोन्स में बांटा है। 8 जोन्स के इंचार्ज सीओ लेवल के अधिकारी हैं। साथ ही साथ हमारे हर की पैड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल लगाकर, जो बाहरी जनपदों से प्राप्त है, साथ ही साथ पीएसी भी मिली है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि बाहर से जो यात्री आ रहा है अपनी धार्मिक भावना और आस्थाओं से, उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।